नमस्कार साथियों, आज के नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ का प्रश्नावली 8D त्रिकोणमिति का सामान्य परिचय का सवाल नंबर 1 का दूसरा यल कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो देखिए इसको कैसे व्यक्त करेंगे, लिखेंगे चूँकि साइन ए बराबर, साइन का पद ज्ञात करते हैं तो साइन ए बराबर लिख सकते हैं हम लोग 1 अपान कोसेक ए, ठीक 1 अपान कोसेक ए, या 1 अपान कोसेक ए बराबर लिख सकते हैं 1 अपान अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर ए, या 1 अपान कोसेक स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं 1 कोसेक स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं काट स्क्वायर 1 प्लस काट स्क्वायर ए, क्योंकि कोसेक काट बराबर क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है ना, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको इधर कर देंगे तो 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा यानी कि ए, ठीक। अब इतना बराबर क्या लिखा जा सकता है, इतना बराबर लिखा जा सकता है अंडर रूट में 1 प्लस काट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपान tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, 1 अपान tan स्क्वायर ए। तो 1 अपान tan स्क्वायर ए को सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 1 tan, इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसको जोड़ देंगे तो tan स्क्वायर ए प्लस में 1 अपान में tan स्क्वायर ए होगा, ठीक है। अब फिर बराबर करके लिख सकते हैं क्या, अब देखिए 1 अपान इतना बट्टे में है तो इसको जो क्या करेंगे पलट देंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में, भाई ये भी अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में है तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में टेन स्क्वायर ए अपान अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखिए sec tan बराबर एक होता है, इधर देख लीजिए sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर एक होता है ना, तो tan स्क्वायर बराबर क्या लिखा जा सकता है, टेन स्क्वायर बराबर लिखा जा सकता है टेन स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, अरे टेन को इधर कर लीजिए और एक को इधर लाइए तो सेक स्क्वायर ए माइनस एक, सेक स्क्वायर ए माइनस एक। तो अब इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं बराबर करके अंडर रूट में, सॉरी यार, अंडर रूट में टेन स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए माइनस में 1 लिख सकते हैं ना। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद से इसको लिख सकते हैं हम लोग बराबर करके 1 अंडर रूट में sec स्क्वायर ए को 1 अपान sec स्क्वायर ए ही रहने दीजिए, sec स्क्वायर ए माइनस 1 रहने दीजिए, या नीचे जो है इसको जो है सॉल्व कर लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा तो sec स्क्वायर ए ही रह जाएगा अंडर रूट में, तो अंडर रूट से अंडर रूट ख़त्म कर लीजिए या ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है।
या सही रहने दीजिए, या ख़त्म करके ऐसे लिख दीजिए अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन, सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपान में क्या, अपान में ए, इसको इसको हटा दीजिए तो सेक ए, बस इतनी सिद्धम ये हो गया। ठीक, और दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्या है, साइन का हो गया, तो कास का करेंगे, कास ए बराबर ऐसे ही लिख सकते हैं, कास ए बराबर अपन सेक ए हो जाता है, कास का उल्टा सेक ए हो जाता है, तो ये हो गया। ठीक, कोई ऐसे नहीं करेंगे, इसको ऐसे कर लेते हैं, टेन ए बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट में टेन स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं टेन स्क्वायर सेक टेन होता है ना, तो सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन, टेन स्क्वायर ए बराबर एक हो जाएगा, यानी कि टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है, यही हो गया। ठीक, ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता, तो इसको काट दीजिए, ये कर लीजिए टेन ए बराबर अंडर रूट में टेन स्क्वायर ए, या इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है, ये हो गया। अब देख लीजिए, इसके बाद से जो है टेन का हो गया, अब काट का, तो काट का, काट का लिख सकते हैं काट ए बराबर लिख सकते हैं वन अपान टेन ए, टेन ए लिख सकते हैं, या वन अपान टेन ए बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन लिख सकते हैं। ठीक है, तो काट का भी हो गया। अब आ गया कोसेक का, कोसेक ए बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट में कोसेक बराबर लिख सकते हैं वन प्लस काट स्क्वायर ए, वन प्लस काट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं अंडर रूट में वन प्लस वन अपान टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, अब अंडर रूट में वन टेन स्क्वायर ए, तो अंडर रूट में क्या लिखे थे, अंडर रूट में लिखे थे अंडर रूट में वन प्लस वन अपान टेन स्क्वायर ए लिखे थे। ठीक, तो फिर इतना बराबर लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट में टेन स्क्वायर ए प्लस में वन अपान टेन स्क्वायर ए। ठीक, तो इसको फिर से क्या लिख सकते हैं अंडर रूट में, अंडर रूट में लिख सकते हैं, अंडर रूट में लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस वन अपान टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए अपान में टेन स्क्वायर ए, फिर टेन स्क्वायर ए को भी लिख सकते हैं अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए अपान में टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस वन, सेक स्क्वायर ए माइनस वन, सेक स्क्वायर ए माइनस वन, अब सब सेक पे हो गया, बस ये छोड़ देना है, और साइन का लिखा ही गया है। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि साइन ए बराबर क्या हो जा रहा है, अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपान सेक ए। ठीक, और कास ए बराबर क्या प्राप्त किया है, वन अपान सेक ए। ठीक, उसके बाद से टेन ए बराबर क्या प्राप्त हुआ है, टेन ए बराबर लिखा जा सकता है अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक, और काट ए बराबर क्या प्राप्त किया गया है, काट ए बराबर अंडर वन अपान, वन अपान अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक, और उसके बाद से जो है कोसेक बराबर क्या प्राप्त किया गया है, कोसेक कोसेक ए बराबर सेक ए अपान, सेक ए अपान अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है जी, इसको हटा देंगे करने यहाँ से।
तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है, फिर से समझाने का कोशिश करेंगे। इसमें जो है आप लोगों को सरल समीकरणों का सूत्र अच्छी तरह से याद होना चाहिए, कन्वर्जन भी याद होना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों।